कहते सानू एक बादशाह दे जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया। एक बादशाह सी, एक दिन उहदे मन च तीन सवाल आए, और ये तीन सवाल तुसी भी समझ लेना क्योंकि सारिआं दे जीवन नाल जुड़े हुए है। बड़ी जरूरी है ये साखी सानू ज्ञान देण वास्ते, कुछ साखियां बनाईआं जांदीआं है सानू समझाण वास्ते कि बादशाह दे जीवन दे विच एक दिन ना बैठे बैठे सवाल आया, उहदे अंदर मन दे विच ख्याल आया कि सही समय कौन सा होता है। की पूछे, की सवाल आया कि सही समय कौन सा होता है, और दूसरा सवाल सही काम कौन सा होता है, और तीसरा सवाल उहदे मन च आया कि समझदार इंसान कौन सा होता है। यानी सही समय केड़ा हुंदा है, सही काम केड़ा हुंदा है, और समझदार इंसान केड़ा हुंदा है। ये तीन सवाल उहदे मन च आए। तां उस वेले उन्हें अपने वजीर नूं कहा कि ऐ वजीर, ये तीन सवालों का मैनूं जवाब चाहीदा है, इदां कर नगर विच ढिंडोरा पिटवा दे, यानी मुनादी करवा दे, ऐलान करवा दे कि जिहड़ा बादशाह दे तीन सवालों का जवाब देगा, जिन्ना बादशाह नूं तसली होएगी तां बादशाह उहनूं 1000 सोने की मोहर देगा, 1000 सोने दीआं मोहरां देगा, जिहड़ा मैनूं तसली बख्श। तसली बख्श मतलब मेरी तसली होनी चाहिए, यानी कोई आवे उत्तर दे के चला जाए, नहीं, मेरी तसली होनी चाहिए है कि सही उत्तर है। हुण कहिंदे जिद्दां ही वजीर ने मुनादी करवाई तां कई लोग आ गए जिहड़े अपने आप नूं ज्ञानवान समझदे सी, आ के बादशाह नूं जवाब दिंदे। जदों बादशाह पुछिआ कि बई दसो कि सही समय कौन सा होता है, तो कोई कहिंदे महाराज उह समय सही हुंदा है जदों बंदे को पैसा होवे, जदों बंदे को ये होवे वो होवे, उह बंदे दा सही समय हुंदा। जिद्दां कई पुछिआ अजकल किदां टाइम चलदा है, तां बंदा ही कह दिंदा है माड़ा ही चलदा है। जे बंदा कहे टाइम बहुत वधिया चलदा है, बोलो समय दिओ कि नहीं। हुण पुछदे सही समय, कोई कहे इदां सही समय हुंदा, कोई कहे उदां, पर बादशाह तसली नहीं होई। सही काम केड़ा, तां कोई कहे आ काम सही है, कोई कहे ओह काम सही है। जदों तुहानूं पुछिए किहड़ा काम सही है, तुहाडे वी कई जवाब होणे आ। शायद कोई कहे रब दा नां लैणा सही है, सत्संग च बैठना सही है, आ फलाना काम करना सही है, भुखे नूं खाना खिलाना सही है, क्योंकि हरेक ने अपने अपने मुताबिक जवाब दे देना है। और जे पुछिया जावे समझदार इंसान किहड़ा है, कौन सा है, तो फिर शायद मैं ही हाँ जी समझदार, बाकी तो सारे मूर्ख ही है। कईआं दे अंदर यह आवाज़ भी आ जाती है, कोई दसेगा वह फलाना या वह, पर बादशाह की तसली नहीं हुई। जिन्हें भी लोगों ने जवाब दिता बादशाह कहिंदा तसली नहीं मन नूं हुई। हुण तो उस वेले बादशाह का ना एक छोटा भरा भी सी, तां बादशाह दे भरा ने कहा कि महाराज तुहानूं तुहाडे सही सवालों का जवाब, यानी तिना सवालों का सही जवाब मिल सकता है, पर उहदे वास्ते तुहानूं जंगल च एक फकीर है उहनां दे कोल जाणा पएगा, क्योंकि मैं उहनां फकीरां नूं जाणदा, बड़े समझदार है। तां बादशाह ने कहा उहनूं इत्थे बुलाओ। कहिंदे जी उह फकीर है, उह इदां नहीं बादशाहां कोल जांदे, अगर तुहानूं लोड़ है, तुहानूं जवाब चाहिए, तुहानूं फकीरां कोल जाणा पएगा। और दूसरी गल है तुहानूं जाणा भी सधारण आदमी बन के पैणा, यानी राजे महाराजे दी तरह नहीं जाणा, सधारण आदमी बन के जाणा पैणा है। जे तुसीं जाण नूं तैयार हो तां फिर उन्हां फकीरां कोल चले जाओ, उत्थों तुहानूं जवाब मिल जाएगा। हुण कहिंदे राजे दे भरा ने जिद्दां दस्सिया, राजे ने उस तरह तैयारी कीती, अपने घोड़े ते सवार होया, नाल इक दा सैनिक लिया कि भी बहुते लैके नहीं जाने, तो जिथे दसिया सी कि फलानी जगह जंगल च फकीर रहिंदे है। जदों फकीरां दी कुल्ली दे लागे बादशाह पहुंचिया तां बादशाह ने पहले घोड़ा पिछे खड़ा कर दिता, और घोड़े तो उतर के पैदल गया कल्ला ही, सैनिक भी पिछे ही। बादशाह कहिंदा तुसीं इत्थे रुको, मैं सवाल पुछ के वापस आ जांदा जवाब लैके, इसलिए तुसीं रुको। सवेर दा समां सी जदों फकीर दे कोल बादशाह पहुंचिया, जदों पहुंचिया तां उस वेले देखिया कि फकीर अपने ना छोटे जे बगीचे अंदर गोडी कर रहे हैं, क्योंकि फकीरां दा एक बगीचा जिथे फुल आए हुए हैं, फकीर गोडी कर रहे हैं। फकीर बड़े बिरद है, बुजुर्ग है, और वो हाथ च रंबी लैके गोडी कर रहे हैं। हुण बादशाह जदों गया सधारण इंसान की तरह जाके फकीरां नूं नमस्कार कीती, तां फकीरां ने पुछिया ओ बेटा किदां आना होया, सब ठीक है? वो कहिंदा जी मैं तुहाडे तों कुछ सवालां दा जवाब लैण आया। की करन आया हां? तुहाडे तों कुछ सवालों का जवाब लैन आया हाँ। फकीर मुस्कुराए, कहिंदे किहड़े सवाल है? कहिंदा जी मेरा पहला सवाल है सही समय कौन सा होता है, सही समय कौन सा होता है, दूसरा सवाल है कि सही काम कौन सा होता है, और तीसरा सवाल है कि समझदार इंसान कौन सा होता है, इसलिए मैनू ये सवालों के जवाब दो। तो फकीर ने कहा जवाब चाहिए है, फिर रुक जरा मैं अपना काम कर लवा, उस तो बाद तैनू जवाब देंगे, जरा समझना सारिआं ने कि मैं अपना जरा
काम कर लवा फिर मैं तेरे सवालों का जवाब दिंदा। कह के फकीर फिर गोडी च लग गए। इधर राजे ने खड़े खड़े ने सोचिया मन दे विच कि वह बजुर्ग है फकीर चिट्टी दाढ़ी सिर दे बाल चिट्टे भी वह बेचारे काम कर रहे किदा पसीने तर वतर होए। तो मैं एक राजा हाँ क्योंकि राजे हमेशा शरीर के तंदुरुस्त होंगे योद्धा होंगे है क्योंकि युद्ध कला हर चीज़ उन्होंने अंदर बचपन तो उन्होंने सीखी होंगी मजबूत होंगे शरीर। इसलिए राजे ने मन च सोचा ये बिरद फकीर नूं कहां महाराज तुसीं आराम करो तो मैं काम कर लवां और नाले इन्होंने हौली हौली करना है तो मैं थोड़ा तेजी ना कर दूं क्योंकि जिन्नी जल्दी वेले हो मेरे सवालों का जवाब मिलेगा मैं अपने महलों में जाऊँगा। हुण राजे ने बेनती की कहिंदा महाराज तुसीं इदां करो तुसीं बजुर्ग हो मैं जवान है तुसीं आराम नाल बैठो आ मैनूं काम करन दा मौका दिओ। तो फकीरां ने कहा कि बेटा देख जे काम करना पूरा करके जाई फिर जे फड़नी ना रंबी तो काम खत्म करके जाना पैना है जे कमे कि थोड़ी देर करके फिर मैं चला जावां तो फिर गल नहीं है फिर तू खड़ा ही रह। तो राजे ने कहा जी नहीं ठीक है जी मैं पूरा काम करके जाऊँ तुसीं फिक्र ना करो दिओ मैनूं। कह के राजा लग गया और वाकई राजा बड़ी श्रद्धा नाल कर रहा सी क्योंकि उहदे मन च फकीरां दी रब दे प्यारियां दी बड़ी इज्जत सी सत्कार सी बड़ी श्रद्धा नाल राजा लग गया करदियां करदियां क्योंकि बगीचे च गोडी करदियां और राजे ने कदी अगे कीती भी नहीं सी इसलिए करता रहा है और बड़ी श्रद्धा नाल कर रहा हौली हौली लगा है राजा करदियां करदियां। सवेर तो दोपहर हो गई दोपहर तो शाम होण लगी। हुण जदों शाम होण लगी राजे दा थोड़ा जिहा कम रह गया जदों थोड़ा जिहा कम रह गया तां की देखिया कि सामने एक आदमी खून नाल लतपथ खून दे नाल लतपथ यानी उहदे कपड़े खून नाल लिपड़े हुए इदां लगदा उहदे पेट च कोई जख्म है वह तड़फदा होया हाय हाय करदा दौड़ा आ रहा है। जदों फकीरां ने देखिया और राजे ने देखिया उहदी पुकार सुनी हाय हाय करदे राजा भी दौड़िया फकीर भी दौड़े जाके सहारा दिता और उहनूं लिटाया। जदों देखिया तो उहदे पेट ते बहुत बड़ा जख्म है इदां लगदा किसे जानवर ने इहनूं नोचिया है किसे जानवर ने नोचिया है। तो राजे ने और फकीरां ने उन लटा के उहदे जख्म नूं साफ किया। फकीरां दे कोल जड़ियां बूटियां सी फकीरां ने वह दवाई तैयार की उहदे जख्म ते लाई राजे ने कपड़ा बन्निया और उहनूं पानी वगैरह पिलाया। तो उस वेले फकीरां ने कहा बेटा थोड़ी देर इहदे कोल बैठ इहनूं संभाल मैं हुणे ही आया। कह के फकीर चले गए कुछ उहदे खाण दा इंतजाम करन वास्ते और राजा बैठ के उन्हू देख रहा है उहदी देखभाल कर रहा है। थोड़ी देर बिच जदों उहदियां अखां खुल्लियां उहदियां अखां खुल्लियां थोड़ा उन्हू आराम आया क्योंकि जड़ियां बूटियां लाइया गई जद नू फकीर भी आ गए फकीरां ने भी कोई रस लियांदा फलां दा उहनू पिलाया कि लै बेटा पी तेरे शरीर च जान आ जाएगी क्योंकि इन्ना लहू वग चुका है। जदों पीता तां होर थोड़ी उहनू तसली होई। तां उहने जदों सामने उस राजे नू देखिया तो उस वेले कहिंदे जख्मां नाल भरपूर सी पर उठिया और राजे दे पैर फड़ के रोण लग गया। वो राजा बड़ा हैरान होया मेरे पैर फड़ के क्यों रो रहा है। तो उस वेले नाल की कहिंदा है महाराज मैनू माफ कर दिओ मैनू माफ कर दिओ अज मैं बहुत बड़ा गुनाह करन जा रहा सी पर मेरे रब ने मेरे परमात्मा प्रभु ने अज मैनू बहुत बड़े गुनाह तो बचा लिया माफ करो मैनू। राजे नूं तां कोई गल ही समझ नहीं आई राजे नूं तां कोई कहानी समझ नहीं आई है माफी क्यों मंग रहा है मैं तेनूं जानदा तक नहीं देखिया तक नहीं कदी इहनूं कहानी की है इह। तां उस वेले राजे ने इहनूं पुछिया तू माफी किस गल दी मंग रहा है तू है कौन और मेरे तो माफी क्यों मंग रहा है किहड़ा गुनाह तेरे तो होण लगा सी दस। तो उस वेले उहनां कहा कि महाराज ऐ बादशाह सलामत दरअसल मैं तुहाडे भाई दा वफादार हाँ और तुहाडे भाई ने जदों तुहानूं कल्लियां नूं फकीरां कोल भेजिया सी ना तां मैनूं उहने कहा सी राजे ने कल्ला होना नूं कतल कर दी ता कि उस तो बाद उहदी गद्दी मैं सांभां ता ही तां मैं जुक्ति नाल उहनूं कल्ले नूं भेजिया इसलिए मौका मिलदी तू उहनूं कर दी। और महाराज मैं पहले लोके बैठा सी इंतजार कर रहा सी कि राजे ने जाना है बादशाह ने जाना है सवालों का जवाब लैके नाल ही वापस आ जाना है और जिहड़े इहदे सैनिक उह पिछे खड़े है मैं दूरों ही तीर का निशाना मार के राजे नूं कतल कर देना है क्योंकि राजा सधारण कपड़िया च गया है नहीं तो शाही कपड़े होण तां बंदा कबज कुबज पा के जांदा है सधारण कपड़िया च गया दूरों ही दो तीन तीर मारूंगा राजे दा खेल खत्म। और महाराज मैं तुहाडे आउण दा इंतजार कर रहा सी तुसीं तां आए नहीं पता नहीं तुसीं की करन लग गए। और राजा उसले की कर रहा सी गोडी
जरा गौर करना, पता नहीं तुसी की करन लगे। सवेर तो दोपहर हो गई, दोपहर तो शाम हो गई, तुसी तो आए नहीं, पर जिस पेड़ के पिछे मैं लोके खड़ा सी उथे एक शेर ने मेरे हमला कर दिता, एक शेर ने मेरे हमला कर दिता, उधर मेरा मुकाबला होया, उन्हों तो मैं खत्म कर दिता, पर उन्हें भी मैनू चंगा नुचिया। एक योद्धा होने के करके मैं उधर लड़िया, जख्म मेरे भी लगे और पर मैं मार उन्हें भी दिता। फिर मैं देखिया कि हूं इसी अवस्था में अगर इतने बैठा रहा तो मैं तो मर जाना है, तो मैं फकीर वाल दौड़िया, क्योंकि जे सैनिक वाल जाता तो सैनिक तो शत्रु समझ के कतल ही ना कर देंगे, मार ही ना देंगे मैनू। तां मैं फकीर वाल आया, क्योंकि मैं पता सी फकीर रहम दिल होंगे, वो मेरी मदद करे। पर मारा ही हैरानी की गल है कि फकीर ने तो मदद करनी करनी सी, आ तुसी भी जेड़े ढंग ना मेरे जख्मां नू साफ किया, आ मैनू पानी पिलाया, मेरे पैर दवाए, इन्ना बड़ा राजा हो के इन्नी दया इन्ना प्रेम, तुसी मेरा दिल बदलता महाराज। क्योंकि इदां दे बंदे दा साथ की देना जिहड़ा अपने भरा दा कातल कतल करके खुद राजगद्दी ते बैठना चाहता होवे, ओ साथ देना तुस नेक दा दिओ जिहड़ा दूजिआं दे दुख नू अपना दुख समझदा, दूजिआं दी मदद करन नू तैयार। तां मारे माफी मंगदा आ। राजा हैरान रह गया, है मेरे भरा दे मन च इन्नी नफरत, इदां दा ओह। कोई गल नहीं, वह तो हिसाब लवेंगे जाके हुण, पर हुण तू आराम कर। और राजे ने उसे वेले, क्योंकि फकीरां मोरे भेजता खुल गया सी कि हुण राजा है, उन्होंने अपने सैनिकों नूं आवाज मारी और सैनिकों नूं कहे नूं लै जाओ जल्दी राजवैद दे कोल जाके इहदा इलाज करवाओ। हुण एक सैनिक घोड़े ते लै के उहनूं चला गया, दूजा सैनिक बादशाह दे कोल ही खड़ गया। हुण जदों ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। इस लिए ताही किया जाता, समझाने वास्ते मुर्शद का होना गुरु का होना जरूरी है। और हुण किहड़े जवाब कुदरत ने दिते, किहड़े जवाब कुदरत ने दिते? कहिंदे, बादशाह तेरा पहला सवाल किहड़ा है? कहिंदा, महाराज पहला सवाल यह है कि सही समय कौन सा है, सही समय कौन सा है? फकीर कहिंदे, फिर उहदा जवाब तैनूं मिलिया नहीं। बादशाह सही समय हुंदा है जदों बंदा नेकी करदा है। बोलो, समझ दो, कोई नेकी का कर्म करता है। तू आया, आके तू जबरदस्ती सवालों के जवाब लेके जा सकता सी, पर तू एक फकीर की मदद करने में लग गया। वह समा तेरा नेकी का सी कि तू बिना किसी स्वार्थ तो साड़ी सेवा च लग गया, वह नेकी खट रहा सी। इसलिए जदों तुसी कोई नेक काम करते हो ना, कोई अच्छा काम करते हो, तो समझ लो ये समा मेरे जीवन का सब तो सही समा है। क्यों सही है, क्यों सही है, वह भी दस दई अगे। कहिंदे, हुण समझ कि वह समा तू नेकी चला रहा सी, वह नेकी करन दा फल की होया कि जे तू नेकी ना करदा उत्थों पहले ही चला जांदा तां रस्ते तेरी जान चली जानी सी। वह नेकी करन नाल की हुंदा है कि जदों बंदा नेकी वास्ते समा कढ़दा है तां नेकी इंसान नूं आने वाली मृत्यु तों आने वाले दुखां तों बचा लैंदी है। समझदे हो कि? इसलिए याद रखना, क्यों पहले समय अंदर गुरु रहवर कहते सी या पीर फकीर पैगंबर कहते सी, कहते कि जान तो पहला ना कोई काम शुरू करन तो पहला कोई दान करो, पुन करो, नेकी करो। कारण की हुंदा है? जो तुसी नेक कर्म करके किसी रास्ते जाते हो ना, तो रास्ते जे कोई रुकावट होवे, मृत्यु होवे, मुश्किल होवे, परेशानी होवे, तो तुहाडी कीती हुई नेकी तुहाडे रास्ते नूं क्लीयर साफ कर दिंदी है, फिर तुसी सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाते हो, क्योंकि वह नेकी दे नाल ही तो रब दीआं रहमतां जुड़ियां होईआं है। इसलिए इधर फकीरां ने कहा, तू नेकी कीती तां तेरियां कीतियां होईयां नेकियां ने तेरे रास्ते जिहड़ी मौत खड़ी सी ना, ओ मौत तो भी तैनू बचा लिया। इसलिए गल कहांगे फिर कि तुहाडे जीवन च अगर मुश्किलां परेशानियां तकलीफां आंदियां ना, तां नेकी करदे चले जाओ, अच्छाई करदे चले जाओ, क्योंकि अच्छा करन वालियां दे जीवन च जे बहुत बड़ी मुसीबत आनी होवे ना, तां बहुत बड़ी मुसीबत छोटी बन के ही निकल जांदी है। हुण राजे ने कहा, जी फिर दूजे सवाल का जवाब दे दो, तो पता लग गया कि सही समय कौन सा है। सही समय वह है जदों बंदा कोई नेकी का काम करता, कोई अच्छा काम करता है। समझते हो कि नहीं? जदों तुसी कोई अच्छा काम करो ना, तो समझ लो आ समय मेरे जीवन का
सही समय है। और बंदा सोचे जी मेरी जो लॉटरी निकलेगी वो सही समय है कि मैंने 10 करोड़ का फायदा हो गया, वो नहीं, पैसा आंदा आ चला जाता। तो कई बार ज्यादा पैसा ही बंदे की बर्बादी का कारण यानी उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। हम जरा समझ लेना, इसलिए कहना की चाहते हैं कि बंदा यह ना सोचे वो चीज मिले, दुनिया का खजाना मिले तो फिर मैं सही समय है, नहीं, ये खजाने अज है कल मुक सकते हैं, पर नेकी जड़ी है ना उदे नाल जो रहमत जुड़ी है वो रहमत तो इदा है कि बंदा मुक सकता पर उसकी रहमत वो बेअंत है, दिंदा दे लेंदे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही। इसलिए नेकी नू बताओ सही समय कौन सा है जदों बंदा कोई नेक कर्म करता है। इसलिए आ तुहाडा समा सही गिण सकते हो तुसीं, क्या नेकी का काम कर रहे हो, जिन्ने घंटे जिन्ने पल जिन्ने मिनट है ना ये सही है, इन्हां दा फायदा होना मैनूं। हुण पुछिया बादशाह ने कि महाराज सही काम कौन सा है, तो उसने फकीरां ने कहा बादशाह सही काम भी तू समझिया नहीं, देख वो आदमी जख्मी आया, जख्मी आदमी आया, उन्हें जरूरत सी साड़ी मदद दी, उन्हें जरूरत सी साड़ी हेल्प दी, तो ऐसी उस वेले उदी वो जरूरत नूं पूरा किया, उहदे जख्मां ते पट्टी लाई। इसलिए सही काम केड़ा हुंदा है, सही काम हुंदा जदों असीं किसे दी मदद करदे हां, किसी का भला करते, साड़ी वजह ना किसी की जान बच जाती है, साड़ी वजह ना रोंदे हुए चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है, साड़ी वजह ना कोई भुखा रज जाता है, साड़ी वजह ना किसी के जीवन च खुशी आ जाती है, तो समझ लो ये काम सही है। बोलो समझदे हो कि नहीं, तो बंदे ने अपने अपने ढंग ना कहना है। बोलो समझदे हो कि नहीं, जो मंदिर जाता होगा उन्होंने कहना मंदिर जाना सही है, तो मस्जिद आने कहना मंदिर जाना थोड़ी सही है, मस्जिद जाना सही है, तो मस्जिद जाने वाला जो कि होर जाता उन्होंने कहना उत्थे जाना थोड़ी, इतने जाना सही है, क्योंकि इदा देखा जाए तो हरेक ने अपनी जगह नु सही कहना है। और समझते हो कि नहीं, पर सही मायने च जदों गल आती है दूजिया का भला करन दी, तो फिर उत्थे ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, उत्थे कोई जात कोई धर्म नहीं है, उत्थे तो पूरी इंसानियत अगे आ जाती है कि जिथे भी मैनू मौका मिले मैं किसी की मदद कर सकां, किसी का भला कर सकां, वो मेरे जीवन का सही काम है। और समझते हो कि नहीं, और राजा देख तू नेकी कीती तेरी जान बच गई, और तू सही काम कीता, सही काम मतलब इहदी मदद कीती, ता देख ले तेनू अपने घर दे दुश्मन दा भी पता लग गया, और ए तेरा दुश्मन भी तेरा मित्र हो गया क्योंकि तू सही काम कीता। जदों असीं सही काम करदे आ तां सही काम करन नाल की हुंदा है, सही काम करन नाल अच्छा काम करन नाल दूजिआं दे दिलां च वी साडे वास्ते प्यार पैदा हो जांदा है। जिहड़ा नहीं भी सानू मनदा नहीं भी जाणदा जो भी सही करांगे तो भी जानने की कोशिश करता है, वह भी साडे नाल दिलों जुड़ जाता है। अज बंदा की है दूजिआं नाल बुरा करता है, दूजिआं नाल बुरे बोल बोलता है, दूजिआं नाल बुरे कर्म करता है, तो सोचता है कि दुनिया से मैनूं खुशियां मिले, दुनिया से मैनूं प्यार मिले, तो बुरा करके कभी किसी का प्यार असीं ले ही नहीं सकते, किसी नाल माड़ा करके किसी की खुशी या किसी का प्यार किसी तरफों इज्जत सानूं मिल ही नहीं सकती। जो सही काम करांगे, सही का मतलब दूजे की मदद करांगे, तो फिर अग्गों भी और दुश्मन भी होएगा ना, अगर दुश्मन ना भी अच्छा करांगे तो वह भी सानू प्यार करना शुरू कर देगा। कहना महाराज दो सवालों के जवाब तो हो गए कि सही समय जदों बंदा नेकी करता है, और सही काम जदों असीं भलाई का काम करते हैं, कोई नेकी का कोई किसी की हैल्प करते मदद करते हैं, पर कहते हुण ये भी दस दो कि महाराज सब तो समझदार इंसान कौन सा है, क्योंकि तिने का सवाल सी सही समय कौन सा है, सही काम कौन सा है, और समझदार इंसान कौन सा है। हुण महाराज ये भी दस दो कि समझदार इंसान कौन सा है, तो फकीरा ने कहा बादशाह वो भी नहीं समझिया कि समझदार इंसान हमेशा वह हुंदा है जिहड़ा सही समय ते सही काम करे और सही नेकी करे, वही इंसान समझदार है। और बादशाह इस नजरिए ना तू समझदार है क्योंकि तू सही समय ते सही नेकी कीता, काम कीता और दूजे की मदद की, क्योंकि नेकी का काम करने वाला दूजे की मदद करने वाला ही सब तो ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि वो चीज कमा रहा है जिड़ी इतने भी वो काम आएगी तो उत्थे भी काम आएगी, इनू तो समझदारी कहते। एक बंदा सारी जिंदगी वह चीज कमा रहा जिन्हों मरण तो बाद इतने छड़ देना है। हुण तुसीं सोचो कि मैं जो कमाया है जे हुण मेरी मौत आ जाए तो की कुछ ऐसा भी है जिहड़ा अगे मेरे काम आएगा, जे ऐसा मैं जोड़िया ही नहीं तो इहदा मतलब मैं मूर्ख हाँ, जे मैं कुछ ऐसा भी जोड़िया जो इत्थे उत्थे दोनों जहानों च मेरे काम आवे तो फिर कह सकते असीं समझदार। इसलिए समझदार इंसान कौन सा है, इसलिए कहा जाता सिमरन दे वक्त सिमरन करिए, दान पुन दे वक्त दान पुन करिए, कोई अच्छाई दे वक्त अच्छाई करिए, जिथे भी सानू मौका मिलता है ना नेकी करन दा, नेकी
जरूर करिए, क्योंकि नेक कर्म करने वाला, नेकी करने वाला, अच्छाई करने वाला ही सब तो समझदार इंसान है। हुण तुसी कौन हो? अज इत्थे बैठे देख के तो लगता वाकई तुसी सारे समझदार हो, बहुत समझदार हो तुसी, शाबाश, क्योंकि सही समय सही काम कर रहे हो तुसी, तेरा समझना सारिया ने। पर हुण इदां दी समझदारी ये नहीं एको ही दिन दिखानी है कि अज मालक पिंड च आ गए तो अज ही दिखानी है, फिर तो टाइम ही है नहीं साडे, नहीं जदों टाइम मिले, मौका मिले, टाइम कट के जाइए, सत्संग च पहुंचिए, जदों भी जिथे भी मौका मिले तो सत्संग जरूर सानू पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।